हेलो फ्रेंड्स, मिराज फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं हरे चने के साग की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाने वाले हैं। ये मैंने लिया है चने का साग, इसे धुल करके बहुत अच्छी तरह से धुला है, 3-4 बार हमें धुलना होगा, और बारीक से काट लिया है। और ये देखिए, इस तरह के हमें जो ऊपर के पौधे का जो ऊपर का पोर्शन होता है उन्हीं पत्तियों को लेना है। अगर हम हार्ड पत्तियाँ लेंगे तो वो रेसा आएगा और हमें खाने में अच्छा नहीं लगेगा। 1 चम्मच हमने लिया है मकई का आटा, जिसके कि हम रोटी बनाते हैं, और बारीक कटा हुआ अदरक है, बारीक कटा हुआ लहसुन, लहसुन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखें, हरी मिर्च कटी हुई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ले लेंगे हम एक कुकर और इसमें डाल देंगे ये बारीक कटी हुई साग को। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार बना लेंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, तो बना कर तो देखिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप पानी डाल देंगे, और हम इसे मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने तक कुक होने देंगे। जैसे ही 1 सीटी आ जाए हम गैस को बंद कर देंगे, और सीटी अपने आप खुल जाए तो ही हम खोलेंगे कुकर को। अब ये देखिए, इस तरह से कुक हो चुका है हमारा साग, हाथ से दबाने पे बिल्कुल अच्छी तरह से दब रहा है। और अब इसमें हम कटी हुई अदरक, कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन को डाल देंगे, और लगभग 10 से 15 मिनट इस तरह से हम इसे मैश करते हुए पकाएंगे। मैश करते रहेंगे, फिर ढक देंगे, फिर पकाएंगे, इसी तरह से हमें, जब तक ये अच्छी तरह से मैश ना हो जाए, हम इसी तरह से करते रहेंगे। अब इसमें डाल देंगे नमक भी, और हम इसे कुक होने देते हैं। ये थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर बनने के बाद ये बहुत टेस्टी लगती है। तो थोड़ा अच्छा खाने के लिए तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इसमें हम डाल देते हैं ये मक्के के आटे को। आप इसके स्थान पे चने का सत्तू भी डाल सकते हैं, भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे मैश करते रहेंगे। हम जैसे जैसे इसे मैश करते रहेंगे, ये अच्छी तरह से देखिए, ये चिकनी सी हमारी साग बन के रेडी है। सारा कुछ मैश हो चुका है और बहुत ही चिकना हो चुका है। तो अब हमारा साग तो रेडी है, अब इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के में हम ले लेंगे सरसों का तेल, और इसमें कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को डाल देंगे, और इसमें हींग भी डाल देंगे हम। ये देखिए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें साग में हम तड़का को डाल करके फिर से इसे मिक्स कर लेंगे, जिससे कि अच्छा सा फ्लेवर उसमें आ जाए। तो ये लीजिए, हमारा साग चने का बन के तैयार है, और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, कितना एमी लग रहा है। अगर आपको हमारी ये साग की रेसिपी पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।